भारत जिसकी पग पग भूमि महान लोगों की कहानियों से भरी हुई है, देश धर्म और समाज के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले और जरूरत पड़ने पर मृत्यु का हंसते हंसते आलिंगन करने वाले महान पुरुष भारत में हमेशा रहे हैं। ऐसे ही महान लोगों में से एक है हम सबके पूज्य टंट्या मामा, जिन्होंने बिरसा मुंडा के समान ही अपने जंगल जमीन हत्याने आए गोरों के विरुद्ध अपने वनवासी समाज को संगठित कर निमाड़ में गोरों की सत्ता हिला दी थी। महान क्रांतिकारी शहीद टंट्या मामा भील का जन्म 1842 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन पूर्व निमाड़ प्रदेश के खंडवा के वर्धा गांव में हुआ था। टंट्या की मां का नाम जानकी देवी और पिता का नाम भाव सिंह था। अंग्रेजों के राज्य में स्कूली शिक्षा का अभाव था, टंट्या वहां जा नहीं पाए, परंतु परिवार के संस्कारों के कारण मानवतावादी संस्कार उनके आचरण में थे। इसी कारण सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ईसाई सत्ता द्वारा शोषण व अन्याय चरम सीमा पर पहुंच चुका था और देश भर में दमनकारी माहौल बनाया जा रहा था। इसके विरोध में टंट्या मामा ने जो उन्हें परिवार से मानव वादी आचरण और संस्कार मिले थे, उसके कारण टंट्या मामा ने लड़ाई शुरू की। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो के साथ ही एक और नीति थी, अंग्रेज अपने विरुद्ध उठ रहे स्वर को दबाने के लिए क्रांतिकारियों को ही हर बगावती स्वर को ही गुंडा बदमाश बताकर उनकी छवि खराब करते थे। ऐसा ही उन्होंने टंट्या मामा के साथ किया। उन्होंने टंट्या को जानबूझकर गुंडा बदमाश गुनहगार लुटेरा ठहराया और झूठे आरोप लगाकर जेल भेज दिया। लेकिन वीर टंट्या मामा 24 दिसंबर 1878 के दिन जेल की दीवार तोड़कर भाग निकले और उन्होंने ईसाइयों की सत्ता को नकार दिया तथा अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लोगों को संगठित करने का काम जोरों से शुरू कर दिया और पुलिस की वेशभूषा में टंट्या मामा अंग्रेजों को मदद करने वाले साहूकारों और जमींदारों को लूट कर उनका लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देते थे और संगठन के लिए अनेक कार्य करते थे। इसके कारण उनके संगठन के कार्यकर्ताओं की शक्ति भी बढ़ती थी। टंट्या मामा ने नौजवानों की फौज तैयार करके 10 वर्षों तक आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। संगठन के क्रियाकलापों से वे अंग्रेजों पर हावी हो गए थे। उन्हें पकड़ने के लिए उस जमाने में 10,500 रुपये का इनाम अंग्रेजों द्वारा रखा गया। चारों तरफ गुप्तचर छोड़े गए, फिर भी मामा पुलिस के हाथों नहीं लगे, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए इंग्लैंड से खास इंस्पेक्टर को बुलाया गया। यहाँ भी अंग्रेजों की किस्मत खराब निकली। संगठन चातुर्य के कारण टंट्या मामा को इस बात का पता चल गया कि उन्हें पकड़ने के लिए किसी इंस्पेक्टर को यहाँ पर भेजा गया है। तुरंत उन्होंने हम्माल यानी कुली की वेशभूषा बनाई और इंस्पेक्टर को लेने खुद स्टेशन पहुंचे। उस इंस्पेक्टर को लेकर जंगल के रास्ते चल पड़े। चलते चलते टंट्या ने इंस्पेक्टर से पूछा कि आपको टंट्या के बारे में क्या पता है, उसे कैसे पकड़ोगे। इस पर इंस्पेक्टर बोला कि मैंने भी सुना है कि वह बहुत खतरनाक है, उसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश हम जरूर करेंगे। उसी वक्त टंट्या उसके सामने आकर खड़े हो गए और सीना तान कर बोले कि मैं ही हूँ टंट्या, पकड़ कर दिखाओ। स्थानीय भाषा में कहते हैं कि इस पर अफसर की ऐसी की तैसी हो गई, वह जंगल में डर कर कांपने लगा। उसे डर था कि कहीं अब उसे टंट्या मामा मार ना दे, लेकिन टंट्या मामा ने उसे मारा नहीं, क्योंकि टंट्या मामा मानवतावादी विचारों के थे। आखिर टंट्या मामा के साथ विश्वासघात हुआ। गांव के गणपत पटेल ने राखी बंधवाने के बहाने टंट्या को अपने घर बुलाया। टंट्या ने जैसे ही राखी बंधवाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पहले से ही घर में छुपे हुए अंग्रेजों ने टंट्या के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। टंट्या को वहां से ले जाकर जबलपुर जेल में रखा गया, बहुत सी यातनाएं दी गई और वहीं पर 4 दिसंबर 1889 को टंट्या भील
यानी हम सबके टंट्या मामा को फांसी दे दी गई। इस तरह एक महान क्रांतिकारी का अंत कर दिया गया। अंग्रेजों ने टंट्या के बारे में लिखा कि वे रोबिन हुड के जैसे थे, साहसी और मानवतावादी क्रांतिकारी उन्हें अंग्रेज जैसे लोगों ने भी बताया। लेकिन कहीं कहीं इतिहासकारों ने टंट्या मामा के साथ धोखा भी किया है, उन्हें के बारे में जो कहना था वह नहीं कहा। मामा की याद में मध्य प्रदेश के मऊ शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन स्थित उनका स्मारक है। स्टेशन से गुजरने वाली रेलगाड़ी वहां रुकती है उनके सम्मान में और यात्री इस महान वीर शहीद को विनम्र अभिवादन करते हैं। टंट्या मामा नहीं है किंतु उनकी आत्मा आज भी पूरे देश को चेतना देती है। जो ईसाई कभी व्यापार के बहाने इस देश को गुलाम बनाने के लिए